बताने जा रहा हूँ। हमने बांस और बल्लियों से एक झोपड़ी तैयार की है। आज आपको मैं उसके बारे में पूरी डिटेल दूंगा कि हमने कैसे अपने इस झोपड़ी को तैयार किया है। इसे हम अपने लोकल लैंग्वेज में सीड बोलते हैं। वैसे ये आमतौर पर जोधपुर के पास में खानों में पाई जाती है। ये मतलब पूरा पत्थर है, पत्थर की ये पट्टियाँ होती है। हमारे क्षेत्र में लोकल है तो हमारे सस्ता मिल जाता है, हो सकता है कहीं मिले ना मिले, पर इसकी जगह हम बांस की बल्लियाँ भी यूज कर सकते हैं। बांस की बल्लियाँ यूज मैंने तो नहीं की है, इसका कारण ये कि उसकी उम्र नहीं होती ज़्यादा, मतलब कुछ सालों बाद में दीमक लग जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये नीचे यहाँ पे ये मैंने जमीन में धसा रखा है, यहाँ पे दीमक लग जाता है। दीमक लगने से क्या है कि बल्लियाँ कमज़ोर हो जाती है। और ये है पत्थर, और पत्थर को दीमक लगता नहीं है, इसलिए हमेशा ऐसे ही मजबूती से टिका रहता है। आप देख पा रहे हैं बीच में हमने 10 फीट की ये पत्थर की पट्टी सेट की है, यहाँ पे दो, और साइड में हमने 8-8 फीट किया ये पट्टियाँ हमने सेट की है। 8 फीट और 2 फीट ये भी अंदर जा चुकी है अच्छे, और 2 फीट उसको भी हमने अंदर डाला है, मतलब 5.5 फीट लगभग ये बाहर है। इसके बाद में हमने ये आप देख पा रहे इधर आई मेरे साथ में, यहाँ पे हमने ये बल्लिया होती है लकड़ी की, हम तो यहाँ स्थानीय भाषा में इसको कणी बोलते हैं, पर ये लकड़ी की बल्लिया होती है जो आमतौर पर मिल जाती है मार्केट में, ज़्यादा महंगी नहीं होती, होती तो सस्ती है। हमने 1, 2 और 3 बल्लियाँ इस तरफ से सेट की है। सेट करने के लिए आपको मैं कब ध्यान रखना, ये जो पट्टियाँ होती है इस पर हमने ऐसे खांचे बना रखे हैं, ऐसे खांचे में क्या है कि ये थोड़ा फिट रहती है। उसके बाद में ये बांस है, बांस की जो बांस है वहाँ से लेके यहाँ तक हमने पूरा सेट किया है, और यहाँ पे हमने कील मार दी है, जो कील बांस को होते हुए सीधा इस बल्ली के अंदर जा रही है। यहाँ पर भी ऐसे ही किया है और वहाँ पर भी ऐसे ही किया है, मतलब इससे क्या है कि मजबूती रहती है, मतलब हवा के झोंके आंधी तूफान वगैरह में ढीले ढूले नहीं। ऐसे ऐसे करके हमने आप देख पा रहे हैं मुझे ये सारे के सारे बांस हमने इस तरह से ऐसे ही सेट किए हैं। ये करने के बाद दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं इधर आइए, ये जो है बांस की बांस को ही हमने चीर के इसको हमने आधा कर दिया है, आधे आधा करके हमने ऐसे इसको इस तरफ से आड़ा इसको सेट किया है। उसके बाद में हमने इसको लोहे के तार से, लोहे का जो पतला तार होता है उससे हमने बराबर इसको सेट कर दिया है पूरा। ये जाली टाइप जाली बन गई है इसकी पूरी। ये तो हमारा हो गया ये शेड तैयार। इसकी लंबाई चौड़ाई रखी है हमने 18 फीट तो छोड़ा है, और 12 फीट है लंबा। इसके बाद में इधर आइए, ये केलू है, मिट्टी का बनता है ये, बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है आमतौर पर। पहले तो यही यूज होता था, आजकल तो सब कंक्रीट सीमेंट में यूज करते हैं, बाकी पहले हर घर में यही ऐसी से बनता था। हम इसको हमारी स्थानीय भाषा में यहाँ पे इसको हम थेपड़ा बोलते हैं, कहीं कहीं इसको केलू भी कहा जाता है, कहीं इसको नलिया भी कहा जाता है, जैसे 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 भाषा जैसे क्षेत्र उनके अनुसार नाम है इसके, बट हम इसको थेपड़ा बोलते हैं हमारी स्थानीय भाषा में। ये मिट्टी से बनता है, पहले कुम्हार लोग बनाते थे मिट्टी से, इस तरफ का साँचा बना के उसको पकाते थे ताकि ये मजबूत रहे। अब ये इसको इसके ऊपर हमने ऐसे सेट किया है, ये हमारे मिस्त्री साहब है, ये जो है छोगमल जी नाम है इनका, और इन्होंने ये पूरा ये झोपड़ी तैयार की है। और बासा क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को आपके बारे में, आपके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ बोले ना, बताओ। ये कैसा आपने सेट किया बताइए तो। आज वो सेट हो बताओ नहीं, क्या देखो सौगाराम जी का ये काम करता है। हाँ सौगाराम जी ने कहा है कि ये काम करते हैं। हमने पहले तो इस ये इन
खपरों को ऐसे सीधा सेट किया, उसके बाद में इसको उल्टा, ताकि क्या है कि पानी जब गिरेगा वहाँ से गिरेगा ढलान होते हुए सीधा नीचे आ जाएगा, इसके अंदर एक बूंद भी नहीं नहीं गिरेगी, बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। और ये मतलब काफ़ी मतलब अच्छा भी है और सस्ता भी है, मेरे हिसाब से तो सबको यही करना चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये वीडियो, आपको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।